आई वेलकम यू ऑल इन डीएनए नंबर 6। जल्दी जल्दी हम 6 पे आ गए यार, पता ही नहीं चला। सो बिफोर वी गो फर्दर, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस डीएनए। तो प्रीवियस डीएनए क्वेश्चन क्या था वो रहा ये। नाउ द क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 केजी इज कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर। अ फोर्स इज अप्लाइड एंड इट पुल द स्प्रिंग टू pull the spring to 2 meter extension। उसको आपने 2 meter extend कर दिया, बहुत बड़ा spring है। And then it is released। फिर आपने उसको छोड़ दिया। Find the maximum velocity gained by spring, gained by spring or gained by mass। एक spring है जिसका spring constant 10 न्यूटन पर मीटर है, अटैच किया हुआ 2 केजी ब्लॉक के साथ। आपने spring को पुल किया और 2 मीटर elongate कर दिया और फिर आपने उसको छोड़ दिया। जब छोड़ा तो उस मास ने मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी गेन की ड्यूरिंग द होल जर्नी। You have to find it. Very simple. A body is pulled by a force and you have to find maximum velocity. आपको maximum velocity find करनी है और x आपको दे रखा है 2 meter. कितना pull किया है आपने, 2 meter pull किया। Very simple question. इसको हमने theory part में भी discuss किया था। अच्छा, आज हम कुछ बहुत special question करने वाले हैं spring वाले। Some question of some higher level. तो देखते हैं कैसे उसको उठाते हैं। So, इसको अगर आपने पुल किया है तो यू डिड सम वर्क, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज रिटर्न्ड बाय द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट पोटेंशियल यू डिड सम वर्क, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हेन यू रिलीज इट it overshoot the mark. So what is the potential energy? It's half kx square, that must be equal to half mv square, half of cut. What is k is 10, what is x is 2 square, what is m, it's a 2 kg, what is velocity, it is, we have to find. So very clearly v is root 20 and the topper is very topper बार बार हो रहा है हमारे पास from the last 2-3 DNA। The topper is a girl whose name is Pia. She wrote answer like this: 20 the whole root 1 by 20 means 20 into 1 by 20 means what? Root 20. Great. Nice. So, congrats, Pia. Now we switch to the some good questions. Ab hum kuch achhe question karne wale hain and definitely it will improve the level of your... I am Pia from Rajpura and today I am very happy that for the third time today I win the DNA and have illuminated not only my parents but also my head, and that is you sir, thank you so much. Due to these DNA we do not increase our knowledge on regular basis but also get rewards also. Due to these we get attached to it, thank you so much sir. Due to these DNA we get a chance to learn something new every time, and that is only because of you sir, thank you so much sir. And a little bit thank you cards or saying thank you is not enough. You sacrifice a lot of time to increase our knowledge. Thank you so much. A good question. A spring of spring constant 24 newton per meter is resting on a frictionless horizontal surface. Ek spring hai. It is a spring constant is 24 newton per meter. It is resting on a horizontal surface.
Yes, a force of 10 newton is applied on the block of mass 4 kg. ये एक ब्लॉक है 4 kg, उसके ऊपर फोर्स लगा दिया हमने, कितना फोर्स लगाया 10 न्यूटन, राइट. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज बीन मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर. आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से और इसको ब्लॉक को 0.5 मीटर मूव किया, ब्लॉक आगे भी मूव किया होगा, तो जब आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो उस टाइम उस ब्लॉक की क्या स्पीड थी. देखो जरा, यदि 4 केजी वाला है, आपने इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ब्लॉक तो आगे तक जाना था, बट जब उसने 0.5 मीटर मूव किया, अभी मींस यहां से यहां पहुंचा, इट हैज जस्ट मूव्ड 0.5 मीटर. जब वो 0.5 मीटर मूव किया है, उस टाइम उसकी स्पीड क्या है ब्लॉक की, ये क्वेश्चन. इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन. सो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू डिड सम वर्क, आपने कुछ वर्क किया, वर्क डन बाय यू इज इक्वल टू व्हाट, उसने क्या किया, वो जो आपने वर्क डन किया, ब्लॉक मूव किया 0.5 मीटर, उसने क्या किया है, उसने दो काम किए. फर्स्ट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. ये याद रखो, ये अभी ब्लॉक एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा हुआ. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक. अगर वो एक्सट्रीम पे पहुंचता है, देन इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी. मेन पे आता है, इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी, बट इन बिटवीन इट हैज पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट इज वर्क डन बाय यू, दिस इज इक्वल टू हाफ, सॉरी, वर्क डन बाय यू इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी कल हमने किया था, हाफ के एक्स स्क्वायर. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ये हमें मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर. व्हाट इज फोर्स अप्लाइड, इट्स ए 10. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट फाइव मीटर, हाफ के. व्हाट इज के, 24. डिस्प्लेसमेंट कितना है अभी तक, 0.5 है, प्लस हाफ एम. व्हाट इज मास, 4. एंड आपको फाइंड करनी थी वेलोसिटी. यस, आई रिपीट, जब ब्लॉक को आपने फोर्स लगाया, हो सकता है कि ब्लॉक यहां तक जाना वाला था, बट आपके फोर्स से अभी यहीं पे पहुंचा, आगे भी जाना था उसने, इट हैज टू मूव फर्दर आल्सो. सो वर्क डन बाय यू इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम दिस पोजिशन टू 0.2 मीटर, व्हिच इट इज बाउंड टू गो फर्दर आल्सो, दिस वर्क डन is equal to potential energy of spring plus kinetic energy of block. So what is this? It's a 10 into 0.5 is what? 5. Then it's what? 12 into 1 by 2 into 1 by 2. 12, 1 by 2, 1 by 2. Plus 2 V square. So it is 2 is equal to 2 V square. So what is V? It will gain a velocity of 1 meter per second. Clear? So with the velocity it gain is 1 meter per second. Right? So as per law of conservation of energy, work done by U is potential energy plus kinetic energy. F into S plus is equal to half Kx square plus half mv square. Like that, so one more good question. अच्छा, अगर आप में से कोई यहाँ पर इसको देख रहा है और उन्होंने पिछला डीएनए नहीं देखा, तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो इसका प्रीवियस डीएनए है वो आप जरूर देखिए, उसका मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेल. नाउ इन दिस क्वेश्चन, टू ब्लॉक ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दिस इज ए एंड बी आर देयर कनेक्टेड टू ईच अदर.
and block B is placed where the friction coefficient of friction is 0.2. You have to find the mass of block B. Mass of block A is 2 kg and it is connected through a spring with the help of pulley. You have to find the mass of block B when A and B both move with the uniform speed. Spring constant is also given. हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं ए और बी. बी का मास मालूम नहीं है, वो निकालना है, और बी जहां पर पड़ा हुआ है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2. अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 19609 न्यूटन पर मीटर, और जो ब्लॉक है दोनों ही यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं. तो अगर दोनों ब्लॉक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया डायग्राम सॉल्यूशन के अंदर. सो फॉर ब्लॉक बी टी इज इक्वल टू एफ बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड है इज इक्वल टू म्यू एम जी. सो इट इज इक्वल टू 0.2 इंटू एम इंटू 10. Now for block A, block A के लिए यहां पर अगर मैं T find करूं, then block for A, this is because it's moving with a uniform speed, T is equal to mg. What is this mg? 2 into 10. But string is same. If string is same, then the tension throughout the wire will be same. It means, therefore, dono T same hai, 1 or 2 mein. It means 0.2 into 10, 2m is equal to 20. So what is the mass of block A? It's 10. The mass of block B is 10. जो आपको फाइंड करना था वो आपने 10 फाइंड कर दिया. कैसे किया आपने? बड़ा इजीली कर दिया एकदम. क्वेश्चन लुक्स डिफिकल्ट बट विद कॉन्सेप्ट इट इज इजी. क्वेश्चन कहां पर दिख रहा है कि दोनों ब्लॉक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये जो टी है वो एफ के बराबर होगा और जो ये टी है वो एम जी के बराबर होगा. बट स्ट्रिंग तो सेम है, एज द स्ट्रिंग इज सेम सो टेंशन विल बी सेम. सो दिस टेंशन फ्रॉम ब्लॉक बी इज एफ इट्स इक्वल टू म्यू आर. सो 0.2 into m into 10. We know it's mg here. And it is r here. So t is equal to f is equal to mu r is equal to mu mg. So t aa gaya hamare paas. For block A, t is equal to mg. 2 into 10, wo bhi aa gaya hamare paas. Dono ko equal kar diya. Mass of block aa gaya aapke paas. Then, further, aapko aur kya find karna hai? You have to find energy stored in the spring. For block A, अगर टेंशन लग रही है, if tension is there, तो spring will elongate. Spring तो elongate करने वाला ही है, तो कितना करेगा elongate? T is equal to kx. तो x, T कितना हमारे पास? T है 20. आप ऐसे कर सकते हैं, यहां से x निकाल लो t by k. देन व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड? वो फार्मूला क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर. एनर्जी का फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर है. सो इट्स व्हाट? हाफ k इज 1960 एंड व्हाट इज दिस? इट्स t स्क्वायर. अभी k रहने देते हैं पर upon k square. So what is energy? This means it is half t square by k. It's half. What is t? 20 into 20. And what is k? 1960.
property is something 20 upon 196 joule. Further this we can solve further. But the concept what samjho jara? That is a we can solve further also. Nikal sakte hain. कॉन्सेप्ट पार्ट समझिए इस क्वेश्चन का. टेंशन सेम फर्स्ट कॉन्सेप्ट, टेंशन टुवर्ड फिक्स एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट. दिस टेंशन इज इक्वल टू स्मॉल एफ थर्ड कॉन्सेप्ट. दिस टेंशन इज इक्वल टू एम जी. वाई ओनली एम जी? बिकॉज इट्स गिवन मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड. वाई ओनली एफ? मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड. थर्ड कॉन्सेप्ट. देन दोनों टी सेम हो गया. एंड फर्दर यहां से आपने टी निकाल लिया, यहां से टी निकाला, दोनों को टी को निकाल के आपने स्मॉल एफ निकाल दिया इजिली. देन सेकंड पार्ट और भी मुश्किल था, एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग. तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर, बट यू डोंट नो के, सॉरी यू डोंट नो एक्स. तो वहां से हमने एक्स निकाल लिया. चाहते तो आप यहां पर न्यूमेरिकल फिगर भी निकाल सकते थे एक्स की, बट मैंने उसको टाइम सेव करने के लिए ये एक्स एज इट इज पुट कर दिया हाफ एक्स के एक्स स्क्वायर में, और आपके पास सॉल्व करके आंसर. यस, डेफिनेटली आज के डीएनए से आपका लेवल इम्प्रूव होने ही वाला है. दिस इज द गारंटी. जितना आपको पहले आता था और इस 20 मिनट के डीएनए के बाद जितना आपको आएगा वो कहीं ज़्यादा होगा. इट्स अ गारंटी, इट्स माई गारंटी. एंड नाउ द क्विज ऑफ टूडे. आज की क्विज सॉल्व करने के बाद भी आपका लेवल इम्प्रूव होगा, इट्स अगेन गारंटी. सो यू सी द कितनी गारंटीज आपको दे रहे हैं. क्वेश्चन इज सिंपल. अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज ड्रॉप्ड ऑन अ मासलेस प्लेटफॉर्म कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग. द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड. इट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 1 meter. स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 20 newton per meter. यू हैव टू फाइंड हाउ मच स्प्रिंग विल गेट कॉम्प्रेस्ड. एक बॉडी जिसका मास 10 kg 1 मीटर से गिराया उसको मासलेस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कनेक्टेड था स्प्रिंग के साथ, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर. आपको बताना है कि ये स्प्रिंग कितना कॉम्प्रेस करेगा, एक्स कितना होगा. इतना सही क्वेश्चन है. विश यू ऑल द बेस्ट. बाय बाय, सी यू टुमारो विद सम गुड क्वेश्चन एंड गुड कॉन्सेप्ट. टिल देन कीप ऑन शेयरिंग माई डीएनए, योर डीएनए. Wish you all the best, and if you did, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें.